प्रीवियस वीडियो हमने देखा था कि 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड सेकंड कैसे सॉल्व करते हैं, आज हम तो देखने वाले क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड कैसे सॉल्व करेंगे। तो वहां मैंने आपको टीच किया था कि P और Q के बेस पे कैसे टेबल फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे क्या P, Q एंड R, तीन चीजें यहाँ दिख रहे हैं, P, Q और R भी दिख रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है। अभी देखिए थ्री टर्म है ना, तो थ्री है ना, तो टू रेस टू थ्री, टू रेस टू थ्री क्या होता है, टू इंटू टू इंटू टू, टू टू जो फोर टू जो एट, तो यहाँ पे फोर टाइम्स टी लिखना पड़ेगा और फोर टाइम फॉल्स लिखना पड़ेगा। इसके बेस पे इजी है, इजली सेम कंसेप्ट है, आपको ये चीजें याद रखनी है, यहाँ पे बेसिक है, उसके बेस पे हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम पहले टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या पी क्यू और आर तीन चीजें हैं, तो तीन चीजें होंगी तो क्या करना है आपको, फोर टाइम्स टू लिखना है, वन टू थ्री फोर टाइम्स टू लिखना है और फोर टाइम फॉल्स आएगा। अभी आप बोलो सर अभी आप थ्री के लिए बता रहे, क्या फोर के लिए आ सकता है क्या, नहीं, जो टू स्टैंडर्ड है यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड का, तो यहाँ पे आपको पी क्यू आर ही आएगा, जो एस होता है जो चार टर्म होते हैं वो आपको ग्रेजुएशन लेवल पे आ सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं आएगा। तो आपको फोर टाइम थ्री ट्रू लिखना है, फोर टाइम फॉल्स, आउटर ट्रीम में क्या होगा ट्वाइस टू ट्रू ट्वाइस फॉल्स ट्वाइस ट्रू ट्वाइस फॉल्स, आफ्टर जो लास्ट है यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा वो टी एफ ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, सिंपल है, जैसा हमने कभी तक किया वैसे ही करना है। यहाँ देखिए अब यहाँ पे कैसे करना है, पहला हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको बिग क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पे क्या करना है, पहले आप पी एंड क्यू के लिए कॉलम बनाएंगे, फिर क्यू और आर के लिए बनाएगा, उनका डबल इंटीग्रेशन है ना, बस इतना ही करना है। यहाँ पे हम पहले बनाएंगे P एंड Q के लिए, सेकंड Q और R के लिए, और थर्ड में ये दोनों हम लोग क्या करना है डबल इंटीग्रेशन लेना है, सो P एंड Q डबल इंप्लाइज Q और R। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बहुत इजी सॉल्यूशन है, आप लोग इजली कर लोगे और बोर्ड एग्जाम में इसलिए इक्वेशन आते ही है। तो यहाँ देखिए P एंड Q, तो P यहाँ पे Q यहाँ पे, P एंड Q में क्या होता है दोनों चीजें ट्रू है तो आपको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा, मतलब यहाँ पे ट्रू है तो आपको ट्रू आएगा, ये भी ट्रू होगा, दोनों ट्रू नहीं वो ट्रू नहीं तो आपको क्या मिलेगा फॉल्स, वो ट्रू नहीं तो क्या मिलेगा फॉल्स, वो ट्रू नहीं तो क्या मिलेगा फॉल्स, वो ट्रू नहीं तो क्या मिलेगा फॉल्स फॉल्स और ये फॉल्स। यहाँ पे क्या है क्यू एंड आर, तो क्यू एंड आर यहाँ पे उनके बीच और है, अगर और का सिंबल होगा तो क्या होगा दोनों अगर फॉल्स है तो आपको फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा ट्रू। यहाँ देखते हैं क्यू और आर, तो यहाँ देखिए दोनों फॉल्स नहीं है तो ये आपको ट्रू मिलेगा, दोनों फॉल्स नहीं तो क्या मिलेगा ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू 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 और ये फॉल्स। और में क्या होता है सिंपल है, अगर दोनों आपको फॉल्स मिले तो फॉल्स, अदरवाइज। अभी हमें डबल इंटीग्रेशन करना है, डबल इंटीग्रेशन में क्या होता है अगर दोनों वैल्यू सेम आती है ना, या तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होने चाहिए, तो यहाँ पे बोथ ट्रू है तो क्या आएगा ट्रू, सेकेंड में भी ये क्या है ट्रू, थर्ड फॉल्स ट्रू, ये क्या होगा आपका फॉल्स फॉल्स फॉल्स, सेम है तो क्या होगा ट्रू, तो ये आपका क्या होगा ट्रुथ टेबल हो गया। ट्रुथ टेबल बेसिक आपको इस सारी चीजें आनी चाहिए ताकि हम लोग इस सारी का आगे क्वेश्चन कवर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर कैसे होगा, देखिए यहाँ पी क्यू आर तीन टर्म है, तीन टर्म में तुम्हें क्या करना है फोर टाइम टी लेना है और फोर टाइम फॉल्स, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कॉलम में उसको लिख लेते हैं, उसके बाद आपको आगे स्टूडेंट का तो कैसे करें पहले देखिए बेसिक क्या है पी क्यू आर तीन टर्म है तो क्या आपको लेना है 4 times 2, 1, 2, 3, 4 times 2, 4 times false. After that, Q में क्या होगा? Twice true, twice false, twice true, twice false. अभी R में क्या होगा? T, F, T, F, T, F, T, F. After this, देखिए यहाँ पे कैसे है पहले ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट के बाहर निगेशन है, मैंने क्या बोला अगर इंडिविजुअल पी क्यू आर में अगर आपको निगेशन होता तो पहले आप उसका ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पे क्या है ब्रैकेट का
निगेशन है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्यू का निगेशन है, इस ब्रैकेट के बाहर निगेशन है। तो पहले हम क्या करेंगे, क्यू एंड आर फाइंड आउट करेंगे, आफ्टर दैट क्यू एंड आर का हम लोग यहाँ पे निगेशन लेंगे, आफ्टर टेकिंग निगेशन फाइनल आंसर लिखेंगे पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू एंड आर, इसके बाद हमें फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा। तो वन बाय वन करते बहुत इजी है, सिंपल आपको ध्यान देना है, और यहाँ पे पांच चीजें आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या बोला आपको पहला क्यू एंड आर, तो क्यू एंड आर यहाँ पे है, एंड में क्या होता है अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आपको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज क्या होगा फॉल्स। तो यहाँ लिखे दोनों ट्रू है तो क्या मिलेगा ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है तो फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। एंड में क्या होता है बोथ आर ट्रू तो रेड ट्रू, निगेशन में क्या करना है आपको इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो ट्रू है वहां पे क्या आएगा फॉल्स, जहां फॉल्स है क्या आएगा ट्रू, जहां फॉल्स है वहां पे क्या आएगा ट्रू, ट्रू ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू एंड अभी क्या बोला है पी इस पे अप्लाई हो रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन कैसा रहता था ये यहां पे रहता है उल्टा रहता है क्वेश्चन ऐसा रहता है, अभी पी इस पे आ रहा है इंप्लाइज हो रहा है, इंप्लीकेशन में क्या है टी अगर एफ पे इंप्लाइज कर रहे तो हमें एफ मिलेगा अदरवाइज क्या होगा ट्रू। तो यहां लिखते हैं टी इंप्लाइज एफ, तो पहला क्या हो गया एफ हो गया, सेकंड लिखते हैं टी टी है तो क्या है टी 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 है टी 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 है एफ एफ है एफ टी एफ टी नहीं चलेगा, टी इंप्लाइज एफ होता तो एफ होता, यहाँ पे इसका पॉजिटिव तो ये नहीं चलेगा, बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पे फॉल्स लिख देते तो आपके आंसर रॉन्ग हो जाए, क्योंकि एफ इंप्लाइज टी है, एफ यहाँ पे आ रहा है टी यहाँ पे आ रहा है, तो ऐसा आपका रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा ट्रू, ये भी ट्रू यहाँ पे। तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सॉल्यूशन।